तो गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 और हम पहुंचे मतलब इधर ढाबे पे गाड़ी रुकाई है। तो ये है हमारी बस, मैं आपको बस दिखा था बाहर से कैसी है ये है। अभी बाकी पुणे में जाके मिलता हूँ मैं। तो गाइस तुम्हारा भाई आया इधर पुणे, तो इधर हम इधर मैं चापेकर चौक में उतरा हूँ और जो भोपाल का लड़का रहता है इधर, तो वो पिकअप करने के लिए आ रहा है भाई। तो मतलब कल रात को बैठे थे अभी बस में और अभी अभी पहुँचे। तो सुबह सुबह कैसा रहता भाई, बोलने को ज़्यादा ये रहता ना, आप समझ जाओ। बाकी मैं किस लिए आया हूँ, क्यों किस चीज़ के लिए आया हूँ, मैं सब बताऊँगा आपको आराम से, ठीक है? तो आप ब्लॉग देखते रहिए। हेलो गाइस, आई एम ओमदादो फ्रॉम ऑसम चैनल डीडीआर ओमदादो। तो गाइस मैंने बताया आपको हम जा रहे हैं एडमिशन के लिए बीएमसीसी कॉलेज में, तो सारी प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा बीएमसीसी कॉलेज में क्या है। तो इधर मैं मेरे भाई के घर पे है, तो ठीक है। कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। तो भाई कल रात को बैठे थे 9 बजे, सुबह सुबह 6 बजे इधर आ गए, तो भाई ने पिकअप करने के लिए आ गया था। तो अभी का सीन मतलब अभी नहा धो के रेडी हो गए हम, तो अभी चलते हैं कॉलेज में और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या प्रोसीजर सब बताएंगे तुमको, ठीक है? व्हाट्सअप निकल। तो आ गए भैया अभी कॉलेज में, तो वहाँ से एंट्री की, अभी जा रहे। तो इधर भाई एडमिशन प्रोसेस क्या है, मतलब एडमिशन मतलब कहाँ पे हो रही, तो पूछने के लिए जा रहे। तो भाई अपने साथ में, हाँ। तो गाइस उस कॉलेज में जाने के बाद क्या करने का, मतलब बिल्डिंग में चले जाने का, वो हॉल जैसा है कुछ, ये जो है ना भाई, जाने के बाद राइट ले लेने का, राइट में जाने के बाद वो आपको टोकन देंगे। तो गाइस इस टोकन पे आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट है वो उस पे टिक कर देने का, फिलअप वो टोकन लेके आपको क्लासरूम में बैठना है, एक क्लासरूम पर्टिकुलर क्लासरूम बोलेंगे उसमें बैठना है। तो हम लोगों को इस क्लासरूम में बिठाया था और ये डिजिटल बोर्ड है आगे। और एक मेन चीज गाइस, आप मतलब टाइम देते हैं, मतलब नोटिस बोर्ड पे जो उनकी वेबसाइट पे जो नोटिस बोर्ड है उधर टाइम दिया है, मतलब 10:30 से 1 बजे तक आओ कुछ भी तो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप 10 बजे जल्दी जाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, फिर आपका नंबर लेट लगेगा, आपकी प्रोसीजर लेट चालू होगी, बहुत लंबी प्रोसीजर है। तो आप जल्दी जाइए उधर 10 बजे उधर कॉलेज में चल जाने का, तो ठीक है। उस चीज़ के बाद वो टोकन लेने के बाद क्या करते हैं, वो अपने को कोई सर आते हैं, एक पर्टिकुलर जो एडमिशन के इंचार्ज रहते हो वो सर आते हैं, बाद में वो आपको बताते हैं क्या क्या मतलब कॉलेज की फैसिलिटीज़ ऐसा वैसा, आगे क्या करने का, वो सब चीज़ बताते हैं, उनका लेक्चर वगैरह वो सुनने का, और वो फॉर्म वर्क की फिलअप कर लेने की। और उस चीज़ के बाद वो जो टाटा हॉल दिख रहा है, टाटा है इधर, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इस हॉल में आके सबमिट कर देने के। बड़ा हॉल है, उनका ऑडिटोरियम जैसा हॉल है कुछ, उधर जाने का। वो अपने डॉक्यूमेंट्स देखो, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे आपको, लगेंगे 10th का ओरिजिनल मार्कशीट, 10th की एसएससी की मार्कशीट, एचएससी की मार्कशीट ओरिजिनल, और आपको लगेगा का सर्टिफिकेट लगेगा, टीसी लगेगी, लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा जिस स्कूल से आपने 12th छोड़ी है वो लगेगा, और उसके बाद में क्या यार डोमिसाइल लगेगा, हो गए तो वो आपके मार्क्स चेक करते, आपकी मेरिट लिस्ट में नंबर लगा है या आपकी सेकंड लिस्ट मेरिट लिस्ट में होगा, तो वो मेरिट लिस्ट देखते हैं उस चीज़ में, वो चेक करते हैं उनके ऑनलाइन कंप्यूटर पे चेक करते हैं आपका नाम है, लगता है सब परसेंटेज वेटेज, लेकिन नंबर लगता है क्या नहीं वो देखते हैं। बाद में आपको मैसेज आता, आपको रजिस्ट्रेशन ID और वो आता, बाद में जो जो वो बोलते सर लोग बोलते जो जो पुणे में के हैं वो बाहर जाके नेट कैफे पे जाके करो, और जो बाहर से आए वो उनको लाइब्रेरी मतलब एक बिल्डिंग है वहाँ पे, लाइब्रेरी के सामने की बिल्डिंग जो है आपको दिखा, शायद वीडियो में आई होंगी तो आपको दिखा दूंगा, लाइब्रेरी के सामने की जो बिल्डिंग है उधर जाने का, फर्स्ट फ्लोर पे जाने का, बाद में वो कंप्यूटर्स के रूम में जाने का, उधर अपना रजिस्ट्रेशन ID
खोल देने का, मतलब जो लाइव ac.in, मतलब ये जो है ना कॉलेज की वेबसाइट, सबसे पहले अपन ने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था, तो अपने मोबाइल पे जो मैसेज आया हुआ है भाई, तो वो आईडी डालने की और अपना पासवर्ड बना लेने का और वो पासवर्ड डाल देने का। अपना ओपन होने के बाद सारी की सारी आपने पहले जो फॉर्म भरा है वैसा का वैसा पूरा का पूरा आ जाएगा। उसमें स्टेप है यार बहुत लंबी, मतलब बहुत सिर दुख गया था वो करते करते। तो उसमें अपने को तुमको क्या करना है उस चीज़ में भाई, एक और चीज़, मतलब जब अपन उधर जाके भी ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर पेज करना है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट उधर ये करना पड़ेगा, तो उस फाइल में सेव करना पड़ेगा और HSC की मार्कशीट करनी पड़ेगी। देन उसके बाद फीस देनी पड़ेगी, फीस है भाई 9400 शायद से 9500 है, तो दो इंस्टॉलमेंट है उसमें। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, बाकी की जो रिमेनिंग है वो दिवाली के, मतलब दिवाली के पीरियड में, दिवाली के बाद, दिवाली के पीरियड में भरने पड़ते हैं। तो उस चीज़ के बाद क्या है, मतलब सारी की सारी आपने फी कलेक्ट कर दी उसमें, उसके बाद वहाँ PDF करनी पड़ती, JPG में वो प्रिंट अपना पूरा का पूरा करना पड़ता, व्हाट्सअप वेब भी खोलनी पड़ती जो अपन करते ना व्हाट्सअप पे से अपने इधर लेना पड़ता। देन वो जो कॉलेज के जेरोक्स वाले है, उधर जाने के बाद उनके व्हाट्सअप कर देने के और वो आपको 30 pages की प्रिंट लेती, वो 30 pages की प्रिंट देंगे और उसके बाद भाई आपको सबमिट करना है। वो डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद लास्ट स्टेज है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, उस होने के बाद आप आराम से घर आ सकते हैं। हम गए थे भाई, हम घर से निकले थे 9:30 बजे, उधर जाने तक ये चिंचोड़ में, पिंपरी चिंचोड़ से चापेकर चौक में से लेके उधर शिवाजी नगर के आसपास है, मतलब सिम्बोसिस कॉलेज के बाजू में है, तो उधर उस कॉलेज भी अपने BMCC में जाने के लिए हमको करीबन लगे थे 30 मिनट तो लगे होंगे शायद, आधा घंटा। तो हम निकले थे 9:30, हम भी पहुँचे थे 10:30 बजे पहुँचे थे शायद 10 बजे ही, तो बहुत सारे पब्लिक आ गई थी, आप 10 से पहले जाओ नहीं तो 10 बजे तो आप जाओ ही जाओ। तो हम गए, देन हम भाई ऐसा 10 बजे गए और हम वापस आए 4 बजे। अब खा पी के जाना बहुत टाइम लगता है उधर, बहुत लंबी प्रोसीजर है। और हॉस्टल का भी बात की भाई हमने, तो गर्ल्स हॉस्टल भी है वहाँ पे और बॉयज़ हॉस्टल भी है। तो इधर से बहुत बड़ा कैंपस है भाई, और ये बिल्डिंग देखे ना पुरानी पुरानी, और इधर कॉलेज देखने के लिए जा रहे, मतलब भाई हालत पतली हो गई क्या बात हो सच्ची में। तो ये है गाइस बॉयज हॉस्टल, देखते हैं अभी जाके इंक्वायरी करते हैं क्या विषय कुछ देखते। तो भाइयों ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, आराम से ले रहा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो बॉयज हॉस्टल की वो चार्ज कर रहे थे 85,000 बॉयज हॉस्टल की, और एक नंबर हॉस्टल है भाई, और तीन एक रूम में तीन जन, मतलब स्पेशल तीन बेड रहेंगे और उनको मतलब वॉशरूम अटैच रहेगी। तो ठीक है, कॉमन वॉशरूम नहीं है उनको, सबको वॉशरूम अटैच रहेगी। तो तीन बेड है, एक रूम में तीन जन रह सकते हैं, तो एक जन पे मतलब एक सेमेस्टर तक रहते हैं, एक सेमेस्टर की पूरी फीस है वो 85,000 तीन जन के, तो एक जन पे आते हैं करीबन 25,000 एक सेमेस्टर के, मतलब 6 महीने के 25,000 और एक साल के 50,000, एक साल के 50,000 पकड़ लो। और मेस के हमने बात नहीं की, तो मेस शायद से उसमें है क्या, मेस के अलग पे करने पड़ेंगे वो पता नहीं। तो वो हमने कॉलेज में गए और कॉलेज उधर जाने का रास्ता साइड से, मतलब पीछे से है, जो अपन उधर डॉक्यूमेंट सबमिट कर, मतलब जो मेन बिल्डिंग है उसके पीछे से सीधा सीधा जाना पड़ता उधर। तो उधर है बॉयज़ हॉस्टल, और उधर रजिस्ट्रेशन कर दिए हॉस्टल में, और हॉस्टल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो बोलेंगे, उन चाचा ने बोला था कि भाई अपन जब क्या बोलते, जब कॉलेज रेगुलर चालू होगा ना तभी आपको कॉल करेंगे और तब आपको हॉस्टल में आना है तो आ सकते हैं।
तो ऐसी प्रोसीजर है। फिलहाल तो कॉलेज वाले ने बोला ऑनलाइन ही लेंगे, क्योंकि उनको ही गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से चलना पड़ता है। गवर्नमेंट ने बोला है मतलब महाविद्यालय ये खुलेगा नहीं, तो अभी तो देखते हैं आगे का सीन। मतलब ये सारी प्रोसीजर है और हमको बहुत टाइम लगा था। आप जितने इतना ही बोलता जल्दी जाओ और सारे के सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाओ भाई, ठीक है। और एक चीज़ गाइस, तुम आ रहे हो ना तो वो फीस मतलब ऑनलाइन ही लेते हैं, तो आपको नेट बैंकिंग गूगल पे इस सारी चीज़ों से करना पड़ता है पेमेंट। तो कैश भी लेके आए तो कैश नहीं लेते शायद से, मैं भी कैश मतलब कैश लेते ही नहीं, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और कैश का कैश लेते या नहीं लेते आप पूछ लेना उनसे, तो ठीक है ये सारी चीज़ें हैं। After all this.